गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से कुछ कम्पिटेटिव क्वेश्चंस जो कि IJSO 2009 का है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, इफ़ ए स्क्वायर प्लस टू बी, इफ़ ए स्क्वायर प्लस टू बी इक्वल टू सेवन, फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकेंड है बी स्क्वायर प्लस फोर सी इक्वल टू माइनस सेवन और सी स्क्वायर इक्वल प्लस सिक्स ए इक्वल टू माइनस फोर्टीन। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो आप एक बार बताओ, जब तक ए बी सी का वैल्यू निकलेगा नहीं तब तक तो हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, या फिर ये किसी न किसी आइडेंटिटी पे जाएगा। तो जैसे ये थ्री इक्वेशंस है, इस तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करके देखते हैं, ठीक है। ऐड करने पे आपको क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर सी प्लस सी स्क्वायर प्लस सिक्स ए इक्वल टू, उधर जो है वो माइनस फोर्टीन हो जाएगा। अब कहोगे इसको ऐड करने से बेनिफिट क्या है, क्योंकि इंडिविजुअल ए बी सी का जब तक वैल्यू आएगा नहीं तब तक ये निकल नहीं सकता है। एक बार बताओ, जैसे हम इसको ए स्क्वायर ये लिख लिए, ए स्क्वायर प्लस जो सिक्स ए है, सिक्स ए को अगर हम टू इंटू ए इंटू अगर थ्री लिखें, इसको ये लिख सकते हैं ए प्लस, हम सोचते हैं इसको आइडेंटिटी पे अरेंज करें, मतलब ए स्क्वायर और सिक्स ए प्लस। अब इसमें जो है सिक्स ए में ये क्या है कि थ्री एक्स्ट्रा है ना, तो थ्री एक्स्ट्रा है तो इसको हम नाइन का मान लो थ्री का स्क्वायर प्लस और थ्री का स्क्वायर माइनस, दोनों अगर हम लिख दें तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसको। अब फिर हमको बी वाले पे सोचना है, वैसे ही बी स्क्वायर, बी वाले के पास प्लस क्या है, टू बी है, तो टू इंटू बी इंटू वन, मतलब नेक्स्ट जो टर्म्स है वो वन आ गया, वन का स्क्वायर फिर माइनस वन स्क्वायर। एक यहाँ से यहाँ तक ये एक आइडेंटिटी को, ये एक पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। और सी वाले पे सोचो, सी स्क्वायर प्लस टू इंटू टू इंटू सी, मतलब टू ए बी अगर लेते हो तो ये तो दिया हुआ है बट टू इसमें एक्स्ट्रा है, मतलब टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर फिर इक्वल टू हम माइनस फोर्टीन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जो है आप ये ले लो, फर्स्ट जो है फर्स्ट आपका ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर आ जाएगा और इसमें माइनस नाइन जो है ये रह गया, फिर प्लस सेकेंड वाले पार्ट से बी प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर माइनस वन रह गया, प्लस थर्ड वाले पार्ट से सी प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस फोर्टीन। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस नाइन माइनस वन और माइनस फोर्टीन, अगर इसको आप ले लो तो ये माइनस फोर्टीन से ये माइनस फोर्टीन कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइड्स में आपको सीधे बच गया ए प्लस थ्री का होल स्क्वायर, बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो।
अब ये आपस में जीरो कब होगा? जब ये पूरा टर्म्स भी जीरो होगा, ये भी टर्म्स जीरो होगा और ये भी टर्म्स जीरो होगा। तो आप इसको एक टर्म्स को समझ लो, जैसे ए प्लस थ्री का अगर होल स्क्वायर इक्वल टू अगर जीरो हो गया, तो ए प्लस थ्री उधर अगर जाएगा तो रूट जीरो मतलब जीरो, ए बराबर क्या हो गया माइनस थ्री। अब ये माइनस थ्री हो गया, ए बराबर आपको हो गया माइनस थ्री, बी बराबर आपका आ गया माइनस वन और सी बराबर माइनस टू। अब इसका आपको ये स्क्वायर निकालना है, तो थ्री का ये स्क्वायर आपको क्या हो गया नाइन प्लस वन प्लस फोर, मतलब ये आपका सबका सम आ जाएगा 14। तो इस ये जो वैल्यू जो निकालना है इसका आपका वैल्यू हो जाएगा 14। ये इतना समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल दिया है, बट आप जब इसको सॉल्व करोगे तो वो आसानी से, जब भी आइडेंटिटी आपके माइंड में आएगा तो वो सिंपली वे में सॉल्व हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है लेट एन इक्वल टू 28। एन जो है वो 28 दिया हुआ है, एक कंपोजिट नंबर। तो सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट फैक्टर ऑफ एन, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहले आप ये समझ लो कि सबसे पहले हमको अगर फैक्टर किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स का सम निकालना है तो हम उस नंबर्स को पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए पहले टू 14, फिर टू 7, मतलब इसको आप 28 को जो है वो टू का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1 ये लिख सकते हो। अब इसका सम ऑफ द फैक्टर्स का जो फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका अलग से वीडियो जो है वो अपलोड किया गया है। जिनको डाउट होगा वो आप जाकर देख लोगे। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स जो है, जैसे ये टू का पावर टू है तो इसके पावर में वन ऐड कर देंगे, मतलब टू का पावर थ्री और माइनस वन। फिर नेक्स्ट वाले में सेवन स्क्वायर माइनस वन बाई नीचे जो है वो टू माइनस वन, और ये आपको हो जाएगा सेवन माइनस वन। इट मीन्स आप इसको ये ले लो, टू का क्यूब माइनस वन सेवन इंटू 48 बाई वन इंटू सिक्स, इसको आप काटो सिक्स से तो 8 टाइम्स में कट जाएगा, 8 7 56। तो ये जो फैक्टर्स जो है इसके सारे फैक्टर्स का सम जो है वो 56 आएगा। कैसे आप ये समझ लो, मान लो जैसे 28 का फैक्टर्स क्या हो गया, वन आ गया, टू हो गया, फोर हो गया, ठीक है, सेवन हो गया, 14 हो गया, फिर 28 होगा। अब ये देख लो, से 14 और 7 21, 4 25, 3 28 और 28 और 28 56 आ गया। तो वही उसी फैक्टर्स का सब ये पूछ रहा है। तो अगर किसी भी, मान लो जैसे एक कोई कंपोजिट नंबर है, एक कोई कंपोजिट नंबर्स है और उस कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर बी का पावर सी और अगर डी का पावर ई इसी फॉर्म में अगर आगे ये बढ़ते जा रहा है, इसका जो फॉर्मूला जो ये निकलेगा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इसका ये हो जाएगा बी पावर सी प्लस वन फिर माइनस वन, वही काम मैंने वहाँ पे किया है, फिर डी का पावर ई प्लस वन फिर माइनस वन, ये प्रोसेस कंटिन्यू होते जाएगा बाय, ये आपको आ जाएगा बी माइनस वन और ये डी माइनस वन, मतलब ये सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स का फॉर्मूला है। इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का भी फॉर्मूला है, जो आप अलग से जाकर वीडियो में देख सकते हो। फिर भी आपको डाउट हो तो
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।